बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। नमस्कार दोस्तों, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम, ठीक। आज हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम का प्रयोग कैसे करना है, ठीक। इसमें चार पॉइंट है। फर्स्ट है हमारा, इसमें जो आवेश है वो चिन्ह सहित नहीं लेना। आवेश चिन्ह सहित नहीं लेना है, ठीक है। ये जो चिन्ह है वो केवल बल की दिशा होता है। जैसे मान लिया कि चार गुलाम और -2 गुलाम, ये आपने आवेश ले, ठीक। एक आवेश चार गुलाम, दूसरा -2 गुलाम। आवेशों की प्रकृति कैसी है? विपरीत प्रकृति के दोनों हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इनके बीच बल कैसा लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो ये जो चिन्ह हमें क्या बता रहा है कि वो बल की दिशा, ठीक। दूसरी बात, यदि एन आवेश तो एन एन -1/2 बल लगेगा, ठीक है। यदि आपने एन आवेश लिए, ठीक, जैसे मान लिया कि आपने तीन आवेश लिए, ठीक है, आप ये तीन आवेश लिए Q1, Q2, Q3, तो इनके बीच कितने बल लगेंगे? यहाँ पे है 3 -1/2, 3 × 2/2, कितने आ रहे हैं? तीन बल। इनके इनके बीच एक हो गया F1, इनके इनके बीच F2 और इनके इनके बीच F3, तीन बल लग गए। मान लीजिए चार आवेश, ठीक, आपने चार आवेश लिए, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक। इनके बीच कितने बल लगेंगे? सबसे पहले यहाँ लगा देते हैं 4 −1/2, 4 × 3/2, 4, कितने आ गए? 6। चलिए इनके इनके बीच एक बल हो गया, इनके इनके बीच एक हो गया, इनके इनके बीच एक हो गया, ठीक। 3 हो गए, इनके इनके बीच एक हो गया F4, इनके इनके बीच एक हो गया F5 और इनके इनके बीच F6, 6 बल हो गए, ठीक। चलिए इसको इरेज कर लें। तीसरा पॉइंट है, यदि दो आवेशों के बीच कोई तीसरा आवेश ले तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान नहीं बदलेगा, ठीक। जैसे आपने दो आवेश ले, ठीक, उनके बीच में एक तीसरा आवेश ले लिया, तो जो आवेश लिए थे उनके बीच बल का मान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 5 कूलाम और 3 कूलाम के आपने दो आवेश लिए, ठीक, उनके बीच बल बदल दिया। फिर आपने इसके मध्य में एक कोई अन्य आवेश नहीं लिया, इनके इनके बीच जो बल का मान था वो जैसा था वैसा ही रहेगा। हाँ, इनके इनके बीच बल का मान अलग होगा और इनके इनके बीच बल का मान अलग होगा, ठीक। चौथी बात, ठीक है, आवेश को दो बराबर भागों
लेने पर उनके बीच बल का मान अधिकतम होगा। ठीक, जैसे किसी आवेश को आप दो भागों में ले रहे हैं और वो दोनों भाग बराबर है तो बल का मान अधिकतम होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 6 गुलाम आवेश है, ठीक है, इसको आपने 3 गुलाम और 3 गुलाम के दो आवेशों में ले लिया, ठीक है, तो बल का मान हम देखते हैं यहां से F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो के Q1 का मान 3, Q2 का मान 3 अपान R स्क्वायर, कितना 9K अपान R स्क्वायर। ठीक, अब मान लीजिए इसको आपने 5 गुलाम और 1 गुलाम दो भागों में लिया, तब बल का मान के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, के Q1 5×1 अपान R स्क्वायर, कितना 5K अपान R स्क्वायर। तो जब आवेश को दो बराबर भागों में लिया था तब बल का मान, ठीक है, 9K अपान R स्क्वायर आया था। जब हमने 5 और 1 गुलाम के उसमें लिया है तब कितना आया, 5K अपान R स्क्वायर। तो बल का मान अधिकतम कब आ रहा है, जब हम आवेश को दो बराबर भागों में लिए, ठीक है, 4 पॉइंट के लिए चलिए आगे देखते हैं, हम इसको रेस कर दें। इसके बाद अब हम वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, ठीक है, इसका हम समझते हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक, तो वैद्युत बल, ठीक है, पार्ट वन में आप लोग समझ चुके हैं कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर लिए, तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल F=FE ले रहे हैं यहाँ पर 1/4π0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ठीक, अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, M1 M2 द्रव्यमान के दो कण r दूरी पर हैं, तो इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या पढ़ा था, F is equal to G M1 M2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा वैद्युत बल हो गया FE=1/4π0 Q1 अपान r स्क्वायर। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम FG=GM1m2r2। अब समीकरण A डिवाइडेड बाई 2, समीकरण A को समीकरण 2 से भाग दे रहे हैं, तो FE/FG=, कितना हो जाएगा, 1/4π0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, ठीक, अपान G M1 M2 अपान r, ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो FE/FG बराबर कितना हो जाएगा, FE/FG=, आ जाएगा 1/4π0 Q1 Q2 अपान G M1 M2, ठीक है, ये वही होगा। अच्छा, अब FE/FG का मान निकालने के लिए Q1 Q2 और M1 M2 ये मान आपको दिए जाएंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए FE/FG का मान हम दो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दें, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक, अच्छा, 1/4π0 का मान पता ही आपको, 1/4π0 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक,
कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, क्यू वन क्यू टू यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ये भी आपको याद है क्यू वन क्यू टू कितना होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10^-19 कूलम। ठीक, एम वन एम टू इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान होते हैं, एम वन एम टू 9.1 × 10^-31 किलोग्राम। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू इसमें रख के आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ से Fe इज इक्वल टू आ जाएगा 10^43 Fg, मतलब वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10^43 गुना होगा। ठीक है, वैद्युत बल का मान क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10^43 गुना अधिक होगा। ठीक, चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं दो बलों का परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है दो बलों का परिणाम, इसको भी समझते हैं। ठीक, अगर दो बल F1 F2 एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों बलों की दिशा एक ही है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा F = F1 + F2 दोनों बलों के योग के बराबर होगा। ठीक, सेकंड, यदि दोनों बलों की दिशा विपरीत है तो उनके परिणामी का मान F = F1 - F2 दोनों के अंतर के बराबर होगा, जो बड़ा होगा उससे छोटे को माइनस करते हैं। ठीक, तीसरी बात, यदि दोनों बल न विपरीत दिशा में न समान दिशा में, अगर मान लिया कि थीटा कोण पर लगे हुए हैं दोनों, तो उनका परिणामी F = √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, दो बलों का परिणामी अगर एक ही दिशा में दोनों बल लगे हुए हैं तो उनका परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर होगा, अगर विपरीत दिशा में लगे हुए हैं तो उनका परिणामी दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, तीसरी बात, अगर ना सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा कोण पर लगे हुए हैं, तो उनका परिणामी √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। माना दो आवेश मिले हुए, 4 कूलम और 2 कूलम के दो आवेश 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच स्थित 2 कूलम के आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे 4 कूलम और 2 कूलम के दो आवेश 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक, और उनके बीच में 2 कूलम का एक आवेश रखा हुआ है, तो उस 2 कूलम के आवेश पर रखने वाले बल का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, जैसे 4 कूलम का आवेश और 2 कूलम का आवेश, ठीक, दोनों 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इनके मध्य बिंदु पर 2 कूलम का एक अन्य आवेश रखा होगा, तो इनके के बीच की दूरी कितनी होगी,
ठीक है, और इनके के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 1 मीटर हो जाएगी। अच्छा अब 4 गुलाम और 2 गुलाम दोनों आवेश कैसे हैं, धनात्मक, तो ये इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये इसको इस तरह प्रतिकर्षित करेगा, तो ये हो गया F1। ठीक, ये दोनों ये भी धनात्मक है तो ये इसको इस तरह प्रतिकर्षित करेगा, इसको हमने F2 दे दिया। ठीक, चलिए अब सबसे पहले हम F1 और F2 के मान ज्ञात करते हैं। तो F1 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F1 बराबर कितना आ जाएगा, K का मान 1/4π0 ये लास्ट में लगा देंगे। Q1 का मान कितना है 4 गुलाम, Q2 का मान कितना है 2 गुलाम। ठीक, अपान दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, ये 1 का स्क्वायर। तो F1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2×8 K न्यूटन। ठीक, चलिए अब हम F2 फाइंड करेंगे। इसी तरह से F2 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना है 2 गुलाम, Q2 कितना है ये भी 2 गुलाम, अपॉन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, तो F2 बराबर आ गया 4 K न्यूटन। ठीक है, अच्छा F1 आ गया 8 K न्यूटन और F2 आ गया 4 K न्यूटन, दोनों की दिशा कैसी है विपरीत। तो अभी हमने बताया था अगर दो बल विपरीत दिशा में लगे हुए हैं तो उनका परिणाम कैसे याद करें, F=F1 - F2 से। ठीक है, चलिए तो अब इसका हम परिणाम यहाँ पर समझते हैं। तो परिणामी F=, कितना हो जाएगा, देखिए F1 8K है और F2 4K है, तो यहाँ से F=हो जाएगा F1 - F2, 8K - 4K। F=, कितना आ जाएगा 4K, K का मान हम यहाँ लगा देते हैं, K किसकी जगह लग गया था 1/4π0, इसका मान कितना होगा 9×10^9, तो 9×36×10^9 न्यूटन। ठीक है, तो कितना बल लगेगा 36×10^9 न्यूटन। अच्छा इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा, ठीक, तो दोनों विपरीत दिशा में लगे हुए हैं तो रिजल्टेंट की दिशा, दोनों में जो बल अधिक है उसकी दिशा में ही परिणामी की दिशा होगी। तो इन दोनों में अधिक कौन सा है F1। ठीक है, तो F1 का डायरेक्शन किधर है, ठीक है, 2 गुलाम आवेश की ओर है, तो जो रिजल्टेंट आया है वो 2 गुलाम के आवेश की ओर इसकी दिशा। ठीक, चलिए